कहते कि अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। कि ग्रंथ साहब का एक लाइने हैं जो बहुत कुछ कहते हैं। और संत रविदास शिरोमणि संत हैं, बचपन से इनके बारे में पढ़ा है, सुना है, इनके गाए हुए कुछ भजन सुने हैं, इनके लिखे हुए जो मेरे पिताजी गाते थे, तो उनके साथ मैं तबला बजाया करता था, तो इनके मंदिरों में अक्सर जाके सुनने और सुनाने का मौका मिलता था। तो जिस तरीके से मैं देखता था इनको, उनके बारे में सुनता था, आज उनके ऊपर एक फिल्म बनी है जो संदीप जी ने बनाई है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, और मुझे इसका एक हिस्सा बनाया छोटा सा, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। और बहुत सारी फिल्मों में मैं गाता हूँ, हिंदी, पंजाबी और लैंग्वेज की फिल्में होती हैं, कमर्शियल फिल्में होती हैं, लेकिन ये जो फिल्म है मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं बचपन से इस संस्कार और संस्कृति के साथ बड़ा होते हुए आया हूँ, और मेरे प्रोफेशन के साथ भी रविदास जी जुड़ गए हैं, और मैं रविदास जी के साथ जुड़ गया हूँ, और हमारे मोहन जी, शक्ति मोहन कहूँगा मैं आपको, मैं संदीप मोहन भी अच्छा नाम है माशाल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को छोटा ना कहें, पहली बात तो, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, फिल्म छोटी बड़ी मेकिंग से होती है, आप उसको मतलब किस तरीके से बना रहे हो, चीप दिखा रहे हो या बेस्ट दिखा रहे हो, ये बेस्ट फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, इसको और बड़ा करना है, मतलब ये है। तो आप सबसे वही अनुरोध है मेरा मीडिया से कि आप प्लीज़ अपना पूरा 100% इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि ये हिंदुस्तान का कल्चर है और ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई देन है जो संदीप जी आगे आने वाली पीढ़ी को दे के जाएंगे। शुक्रिया। शायद भाई अगर गुनगुना दें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, अगर आपने, अगर याद हो आपको आपने जो गाया है रविदास इस कहानी का हिस्सा है, तो अगर अगर गुनगुना सकें तो मैं चाहता हूँ कि इतना ये वायरल हो जाए गाना कि सबको याद हो जाए, मेरे साथ आप सब गाने लगे। तो मैंने पढ़ के गाया, लेकिन वही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा मैया तू सबको बता दे, मन चंगा तो कठौती में गंगा मैया तू सबको बता दे। नसीम भाई, फिल्म के नमस्कार। इस फिल्म के माध्यम से आप लोगों से एक बार फिर मिलने का मौका मिला है, उसके लिए मैं पोपली साहब को और संदीप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से एक बार आप लोगों से फिर मिलने का मौका मिला। पिक्चरें तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन हर पिक्चर से जुड़ने का एक मन होता है, महत्व होता है, कारण होता है, कारक होता है। तो ये फिल्म, चूँकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो मुझे उत्तराखंड जाने का एक सबसे बड़ा अवसर मिला भागने का, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं पहाड़ में उत्तराखंड में शूटिंग कर पा रहा हूँ। हरिद्वार में इसकी शूटिंग हुई, देहरादून नदी किनारे, जो एक कलाकार को और चाहिए क्या कि शूटिंग भी चल रही है, शॉट ख़त्म हुआ, नदी किनारे बैठे हैं, जब गर्मी लगी डुबकी लगा ली। तो वो अवसर, वो प्रकृति के साथ रहने का मौका आपने मुझे दिया, और जिस श्रद्धा के साथ आपने देखा होगा, जो बोलते हैं लोग बाग अपनी फिल्म के बारे में बताते हैं, तो आपने जब पोपली साहब को सुना तो उससे आपको समझ में आ गया हो कि कितनी श्रद्धा, कितने विश्वास और कितने दृढ़ निश्चय के साथ वो इस फिल्म का हिस्सा हैं, और उस लगाव से इन्होंने इस फिल्म को बनाया है। उनके मुँह से जो आपने सुना उससे आपको समझ में आ गया होगा। और जो रोल है, जो कला, जो रविदास जी वाला रोल है, वो मुझे कलाकार के तौर पे, क्योंकि हमने पहले कभी काम किया नहीं था संदीप के साथ, तो इन्होंने इतने समर्पण के, जैसे व्रत होता ना, व्रत के दिन एक्टिंग कैसी करते समझ जाओ, उस श्रद्धा के साथ, वो दाढ़ी लगाते तो दिन भर खाना भी नहीं खा रहे हैं, और वो एक समर्पण जो कलाकार का होता है किसी कलाकार या किसी चरित्र को निभाने के प्रति, वो चीज़ मुझे देखने को मिली, और उसका परिणाम भी पर्दे पर बहुत अच्छा आया है, तो वो मुझे एक खुशी की बात थी। और साथ में हमारे गुलशन भाई थे, तो और मज़ा आ जाता है कि जब कलाकार दो साथ में हों, और उसके अलावा दोनों दोस्त हों, तो फिर वो मन चंगा तो फिर कटौती मंगा हो जाता है। बाकी आप सिनेमा का आनंद लीजिएगा, धन्यवाद। सभी को नमस्कार।
इतने सारे शब्द पोपली सर ने बोले फिल्म के बारे में, आप लोगों को सब कुछ समझ में आया, फिर संदीप सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया सब कुछ, हेमंत भाई ने बता दिया, मेरे पास बचा तो कुछ नहीं है बताने के लिए। जैसे कि कहा कि मेरा एक नेगेटिव किरदार, मैं हेमंत सर का राइट हैंड हूँ उसमें, तो सारे ज्ञानी नाम है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा अज्ञानी था जो भी रहा होगा वो भूमिका मुझे मिली, करने का अवसर मिला बहुत। जैसे कि हेमंत भाई ने बताया कि संदीप सर का जो डेडिकेशन हमने देखा सेट पर, हैट्स ऑफ है सर, इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए सर। और मैं अपने दिल से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये फिल्म सचमुच में हर इंसान को देखे, हर इंसान इसको, ये मेरी तो दुआ है, बाकी आप लोग भी कोशिश करिए। 7 फरवरी को आ जाएगी हम सबके बीच में, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत मेहनत से बनी हुई और पूरी रिसर्च करके रविदास जी पे बनाई गई है, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट बनाना आज के कमर्शियल युग में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पोपली सर के लिए भी तालियां बजाइए सर, ईश्वर कामयाब करे। थैंक यू सो मच। सर मेरी सबसे पहले ये कहना है कि हिंदुस्तान मुंबई दिल्ली बेंगलोर कलकत्ता तक सीमित नहीं है। आप मुंबई से थोड़ा बाहर निकले आप देखेंगे लोग धोती कुर्ता आज भी पहनते हैं, गांधी टोपी लगाते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और उनके इश्यूज़ बहुत मुख्तलिफ हैं यहाँ के रहने वाले लोगों से। मगर ये जो बड़ा तबका है ये हमारी फिल्मों से बिल्कुल गायब होता जा रहा है। मुझे करण जौहर साहब की फिल्म से कोई परेशानी नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह के किरदार उस फिल्म में दिखाए जा रहे हैं लगातार और वो बड़े प्रमोट होकर आ रहे हैं, वैसी हिंदुस्तानी ऐसा है नहीं। मदर इंडिया जैसी भी फिल्में पहली बनती थी और आज भी जब धोती कुर्ता पहन के लोग आते हैं, तानाजी में आपने देखा लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का वो बड़ा तबका, हिंदुस्तान का वो हिस्सा हमारे फिल्मों में दिखाया जाना चाहिए, हमारे जो साहित्य है उसका ठीक से हमारे फिल्म में जो है वह प्रदर्शन होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए फिल्म, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। फिल्म का पहला जो है काम है वो मनोरंजन करना है, पर इसके साथ ही लोगों को अच्छा मैसेज जाए, दमदार भारतीयता का परिचय मिले और लोगों को वर्षों तक फिल्म याद रहे। आज आप फिल्म देखते हैं 2 दिन बाद भूल जाते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अंदर, मगर एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ और भी होगा जो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लंबे समय तक आप उसको याद रखें। थैंक यू जी। नहीं, साईं बाबा जी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उनको पोर्ट्रे किया है, पर रविदास जी की सबसे बड़ी बात थी कि वो बड़े सहज बड़े सरल थे, अपना काम खुद करते थे, संत होते हुए भी वो अपने चमड़े का काम करते थे, अपना काम कभी नहीं छोड़ा, रोज़गार कभी नहीं छोड़ा, साथ ही आध्यात्मिकता की लौ कभी बुझने नहीं दी। तो बाकी सारे संतों से इस माने में बड़े अलग थे और उनका पोर्ट्रेयल भी उसी तरह से करने का प्रयास किया गया है, कहीं भी उसमें आपको आर्टिफिशियलिटी किसी प्रकार की कृत्रिमता नज़र नहीं आएगी। एक बड़े सहज इंसान थे जिसको पता चल गया था कि हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हमारे में जो समाज में संघर्ष चलता है आज भी आप गाहे बगाहे यदा कदा हर जगह देखते हैं, समाचार पत्रों में आज भी इन चीज़ों की चर्चा होती है कि फलाने गांव में फलाने शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई, उस चीज़ का बहुत ही सहज सॉल्यूशन उनके पास था कि आप अपने आप को एक रूहानी किरदार के रूप में पहचान लो, तो उसका पोर्ट्रेल करना भी हमें उसी तरीके से था, बड़ी सहजता बड़ी सरलता से किया है। जब आप फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको आनंद आएगा। सर सुधीर दलवी जी के साथ मैंने काम किया है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, और जिस फिल्म में उन्होंने काम किया वो मनोज कुमार जी की फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत कामयाब भी हुई, और वो अपने ज़माने में उन्होंने एक कैरेक्टराइजेशन किया जो उस वक्त बड़ा अच्छा लगा। इस फिल्म का कैरेक्टराइजेशन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, कोई भी समानता नहीं है। आई एम हैप्पी टू बी ऑनर्ड टू बी कंपेयर्ड टू हिम, मगर फिल्म के पोर्ट्रेयल में कैरेक्टर के पोर्ट्रेयल में कोई समानता नहीं है। आपको ये बड़ा ओरिजिनल दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा, कहीं भी उस तरह का स्टीरियोटाइपिकल पोर्ट्रेयल नहीं है फिल्म में।